वेलकम टू माई चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज है संडे, घर में चल रहा है काम, क्योंकि आज संडे है, घर में बहुत सारा काम पेंडिंग है। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, बट घर के जो कामकाज है वो पेंडिंग है। अभी हमारी जो हमारी घर में हेल्प करती हैं वो आई हुई हैं, थोड़ा काम कर रही हैं। और मुझे आज सबसे बड़ा काम करना है, मुझे आज निकालने हैं सर्दियों के कपड़े। हेडेक है, क्योंकि मदर लॉ मेरी साथ में है नहीं, वो कहीं गई हैं किसी के घर। अभी गई हैं जस्ट थोड़ी देर पहले नाश्ता वाश्ता करके, और मुझे ही करना है सारा काम। जो दीदी हैं, शीला दीदी, हमारी जो घर में हेल्प करने आती हैं काम से, उनका नाम शीला है, वो आई हैं और काम कर रही हैं। मैं अपना जो बाकी का काम है वो सब निपटा लूँ। बर्तन पड़े हैं धोने को, मैं सोच रही हूँ वो भी फटाफट धो के फिर मैं अपना बेड खोल के सारा अपना जितने भी कपड़े हैं गर्मियों सर्दियों के वो निकालूँ, और गर्मियों के कपड़े जो मुझे नहीं यूज़ करने हैं आगे उन सबको लपेट लपाट के रख। क्या खा रहे हो? एशिम। यहाँ ने फिर से एशिम ली, इतनी ठंड हो रही है। कल हम किसी मैरिज में गए थे, मेरे ऑफिस की कलीग है उसकी शादी थी कल। क्या खाया आपने? क्या खाया आपने? एचिम खाई। कितनी एचिम खाई रियाज ने? वन एचिम। हैप्पी टू टू किया? ओ हैप्पी टू टू इसलिए बोल रहा है क्योंकि कल मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे था, तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो केक लेके आई थी, तो वो रियांश ने कट किया, मदर इन लॉ ने कट नहीं किया, क्योंकि घर में जो भी केक आता है वो रियांश ही कट करता है। रियांश ही हैप्पी टू टू कट। कलीग की वेडिंग थी, वहाँ गए थे, रियांश भी गए थे। रियांश ने फुल इंची, देखो रियांश को, भाव भाव, रियांश तो भाव बन गया। रियांश को ऐसी हरकतें बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छा लगता है उसके सब करना ऐसे हरकतें। तो कल रियांश ने बहुत डांस किया, अल्टीमेट डांस किया है डीजे में, कहते हैं पार्टी में ही। यस, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, रियांश बिल्कुल वही था। रियांश ने क्या किया, किसी के साथ भी डीजे में डांस कर रहा था, बहुत चलो करते हैं काम। काम भी बहुत ज़रूरी है, जल्दी काम निपटाती हूँ और फिर थोड़ा फ्री होके थोड़ा यहाँ स्कूल की ड्रेस भी लेने जाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से कुछ वैसे ब्लॉग्स क्यों नहीं आए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। मंडे से सैटरडे तक ऑफिस रहता है, सुबह जाओ शाम को, आपको टाइम ही नहीं मिल पाया। सो आज करते हैं कुछ आपको अच्छा सा नया दिखाते हैं। जब का बहुत कुछ दिखा दिया, अब कुछ अपने घर के बारे में दिखाते हैं। ब्लॉग भी स्टार्ट करिए, लेकिन अब मैं इंट्रोडक्शन सच मैंने आपको नहीं दिया है, मैं कौन हूँ, क्या है, कैसे ज़रूर होंगी, वो भी पहले देखा ब्लॉग में, देखते रहिए। टाइम हो चुका है 12 बजे और अभी तक घर का काम पेंडिंग ही चल रहा है। मैं सोच रही हूँ आज कितना काम कैसे हो पाएगा। एटलीस्ट यहाँ से कपड़े तो निकाल लूँगी आज, क्योंकि रियांश को भी दिक्कत होती है कपड़े उपड़े करने में। सर्दियां हैं तो सुबह सुबह ऑफिस भी जाता है, तो कुछ चाहिए ऊपर से ना जैकेट वैकेट डालने को। नहीं है, पहले मन कर रहा था कि संडे कहीं जाएंगे, बट आई थिंक काम भी इतने हैं कि वही निपटा लूँ, तो वही मेरे सर से। पौधों को देखती हूँ, मैं सोच रही थी कुछ एक आध पौधे और लगवाने के लिए, कपड़े ही सूख रहे हैं। तुलसी के लिए एक चुन्नी लानी है मुझे आजकल, मैं देखती हूँ ताकि दीदी बर्तन मांज रही है, फिर उनके लिए मैं कड़क चाय बनाऊंगी, फिर वो पोछा लगाएंगी एंड फिर मैं करूंगी अपने मेन काम। आज मुझे निकालने हैं कपड़े सर्दियों के। देख लो, ये हमारी दीदी हैं जिनकी डिमांड स्टार्ट हो गई है कि मुझे आप कंबल चाहिए। रजाई दी थी ना आपको, आपने ऐसा देखा है, इतनी डिमांड कहीं से आती हो। उससे पहले आपको अच्छा कुकर तो अपने पैसों में लिया था, कुकर तो उन्होंने खरीदा था हमसे, हमें आया था तो इन्होंने खरीद लिया था हमसे। 5 लीटर का वाला
पाँच या सात लीटर का था शायद, पाँच लीटर का था। अब इनको कंबल चाहिए क्योंकि एक रजाई हमने उससे पहले इनसे पहले एक काम करती थी इनको दिया था, अब इनको कंबल चाहिए। देखते हैं कंबल का, वो भी डबल बेड का चाहिए, ऐसा नहीं सिंगल बेड का, डबल बेड में कंबल चाहिए। एक रजाई पड़ी है, लोगे क्या है? रजाई अच्छी है, वो अच्छी है रजाई, और नहीं है अभी, है ना है। तो हम जा रहे हैं रियांश की ड्रेस लेने, क्योंकि रियांश की ड्रेस आई नहीं है अभी तक, लास्ट वीक लानी थी बट हम ला नहीं पाए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वहीं, यहाँ पे मार्केट है जो उसकी टीचर ने बताया है कि यहाँ के नियर बाय मार्केट से मिल जाएगा, तो वहीं से जाके इसकी ड्रेस ले आते हैं। और जब थोड़ा बहुत सामान रहता है वो जाते हैं, कपड़ों का रह गया काम, वो मैं अभी आके करूँगी, उस काम को भी निपटाना है। यहाँ शूज लेंगे ना, कैसे कलर के, विच कलर? ब्लैक, मैम के पास जाने के लिए। ओके यस, हम आ गए थे मार्केट से, और मार्केट से हम कुछ रियांश की तो ड्रेस आई, रियांश की ड्रेस यस। तो रियांश अभी प्ले ग्रुप में है, प्री नर्सरी बी सेक्शन में है, और इसका ड्रेस अभी रिसेंटली वो भी दिखाऊंगी। रियांश ना हर चीज के लिए बस उसको एक्साइटमेंट रहती है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो ये है रियांश की ड्रेस यस। विंटर्स आ गए हैं तो ये ड्रेस है रियांश की, अच्छी है, कलर ही मुझे अच्छा लगा, कुछ रॉयल ब्लू सा कलर है जिसमें और भी ग्रीनिश, बहुत ही लाइट ग्रीनिश या फिर येलो स्काई, हाँ दिखा रही शूज का उस शेड में ही है। फैब्रिक अच्छा है, मोटा फैब्रिक है एक्चुअली, ठंड अभी विंटर्स आ गए हैं तो अंदर से अगर रियांश वार्मर पहन ले, ऊपर से ये डाले तो इनफ फायर है, और पीछे हुडी है तो कैप का भी काम कर लेगी। पहले मैं रियांश का ये दिखा देती हूँ जिसको शूज चाहिए, इसके ये है रियांश के शूज, यहाँ दिखाओ अपने शूज, ये शूज हाँ पहन के दिखाएंगे। ओके रियांश कह रहा है मुझे पहन के दिखाओ, मुझे पहनने हैं तो मैं रियांश को शूज पहना देती हूँ, अदरवाइज ये वाओ, सी रियांश दिखाओ 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 दिखाओ, इधर दिखाओ, कम 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 कम, वाओ गुड, वेरी नाइस शूज, बच्चे और बच्चों की चीज़ें। तो ये दिखा रही थी मैं, काफ़ी अच्छा है, ज्योमेट्री बॉक्स है ये, क्या चीज़ें आ गई है, माय गॉड। हमारे टाइम पे जब हम स्कूल पढ़ते थे, पहली बात तो प्ले ग्रुप में हम शायद कभी गए नहीं, और जब हम एक्चुअली स्कूल लाइफ में आए तो हमारे पास ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होते थे, बड़े सिंपल वाले होते थे, आजकल बच्चों के लिए तो टॉय वाले ज्योमेट्री बॉक्स है। उस टाइम ही कुछ टाइम बाद आ गए थे, बट इतनी इनोवेशन तब भी नहीं होती थी, बच्चों के मज़े हैं एक्चुअली। जिस चीज़ पर हाथ रखो मुँह अपन बुलाना है, बता दूँ ओके, खेलोगे? यांश को शूज उतार दिए, यांश अब शूज कल से पहन के जाएगा अपने स्कूल। एक्चुअली भले प्ले ग्रुप हो, बच्चों को स्कूल में ड्रेस ही होना चाहिए, हालांकि प्ले ग्रुप में स्टार्टिंग में नॉर्मल उनके घर के ही वो थे ड्रेसेस,
तो पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया कि सेम डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है स्कूल में, तो बच्चों को सेम ड्रेस हो तो अच्छा लगता है देखने में। और एक्चुअली ये रियांश को हम एक लंच बॉक्स लेके आए हैं। एक्चुअली रियांश के पास एक लंच बॉक्स था बट वो प्लास्टिक था। प्लास्टिक हम लोग इतना यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक नॉट सेफ। तो लो रियांश कॉइन। अच्छा लगा देखने में रियांश को, अच्छा लगा। हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो, इसमें डालना आपको आपका पिगी बैंक काम नहीं आता। पिगी बैंक ये रहा, ये मुझे पिगी बैंक डालो ऑइन ये। अब रियांश सेव करोगे आप इसे रखेंगे भी। ये है रियांश का लंच बॉक्स, वेरी नाइस ना। एक्चुअली प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें एक ऐसी कुछ ब्लू सा ही कलर का था लेकिन कुछ ऐसा डिजिटल सा प्रिंट था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। ये बड़ा ही क्यूट सा उसमें छोटा भीम बना हुआ है कार्टून। एक्चुअली मुझे ना क्योंकि रियांश का लंच बॉक्स ये रियांश का लंच बॉक्स चील का है अंदर से, इसलिए हमने लिया, हमें चीली चाहिए था। ऊपर से तो प्लास्टिक है जो उसके ऊपर के वो है ढक्कन, नीचे प्लास्टिक है और नीचे वो है स्टील की, वो प्लेट सी लगा रखी है जो कि रिमूवेबल है। अच्छा है, ये कॉस्ट आई थिंक मुझे 800 का पड़ा है। 800 का लंच बॉक्स है, काफ़ी हैवी एक्चुअली। मार्केट में जाओ तो क्योंकि ये शूज़ इसके 500 के आसपास के पड़े हैं, हमें सोचो बच्चों के शूज़ 500 के हैं तो बड़ों के क्या होंगे। ये ड्रेस रियांश की 1300 के आसपास की, हाँ 1300 की है आसपास में, 1300 की है। एक ही सेट दो सेट लेना चाह रहे थे कि जैसे गंदी जाती है बच्चा है तो फिर वो नेक्स्ट डे दूसरी टाइम लेगा अगर दो ही ना हो तो। बट उन्होंने कहा मैम अभी सेट आ नहीं रहे हैं तो ले जाओ नेक्स्ट दिन ही ले लेना। ये इसका नीचे का लोअर है। आज की सिर्फ रियांश की शॉपिंग जिसमें मैं चाह रही थी कि कुछ अपने लिए कुछ विंटर्स में ऑफिस जाने के लिए टॉप ले लूँ या कुछ भी ऐसा ना, सूट भी नहीं है कुछ सोच रही थी लेने के लिए बट नहीं ले पाई क्योंकि रियांश नहीं होता पूरा कर दिया। नेक्स्ट वीक में देखेंगे अपने लिए कुछ लेने के लिए। रियांश कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको? ये गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी की तरह ही चला रहा है, इसको तो लग रहा है कि ये वो बस है, मैं ट्रन ट्रन करके जाऊँगा। बट ये एक्चुअली यार जो बैटरी बॉक्स है इसमें अपने क्रेयॉन्स रखो, अपनी पेंसिल्स रखो, है ना। सो आज कुछ